कभी नहीं भूल सकता। जिस पिज्जा शॉप में मैं काम करता हूँ वहाँ पे मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। मैं रेडी हो रहा था घर जाने को, तभी वो फोन बजा। उस रात काउंटर पे मैं ही अकेला काम कर रहा था तो मैंने ही फोन रिसीव किया, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा था इसीलिए मैंने फोन रख दिया। कुछ एक मिनट बाद फिर से वो फोन रिंग हुआ, मैंने फोन रिसीव किया, तभी भी साइलेंस ही था। मैं फोन फिर से रखने ही वाला था तब मैंने एक कोल्ड और वीक साउंड सुनी फोन से। वो आवाज़ किसी ओल्डर वूमन की थी। उसने कहा उसे रेगुलर चिकन पिज्ज़ा चाहिए। मैं फ़ोन पे तो शांत रहा लेकिन अंदर से तो मैं उस बूढ़ी औरत को गालियाँ दे रहा था। मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जाने ही वाला था तभी उसका फ़ोन आया था। मैंने अपने बॉस को कहा कि कोई तो पिज़्ज़ा डिलीवरी ऑर्डर कर रहा है। मेरे बॉस ने कहा मुझे वो पिज़्ज़ा डिलीवर करना होगा। पहले तो मैं बहुत अपसेट हुआ लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इसका टिप भी मिलेगा और बूढ़े लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिप देते हैं। मैंने एड्रेस नोट डाउन किया और मैंने उसे कहा कि मैं वहाँ पर जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन उसने पहले से ही फ़ोन कट कर दिया था। वो काफ़ी स्ट्रेंज था और रूड था। मेरे बॉस ने मुझे डिलीवरी के बाद घर जाने को कहा क्योंकि वापस आने तक तो पिज़्ज़ा शॉप बंद हो चुका होगा। तो कुछ 11 बजने से थोड़ी देर पहले ही मैं अपने गाड़ी में बैठा और पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए निकल गया। दिए हुए घर का एड्रेस काफ़ी शांत जगह पे था। GPS की मदद से मैं एड्रेस लोकेशन पे पहुंचा। वो काफ़ी शांत और वन फ्लोर का घर था। मैंने पिज़्ज़ा उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। वो घर की सभी लाइटें बंद थी। मैंने बेल रिंग की इसी होप में कि दिया हुआ एड्रेस गलत ना हो, लेकिन रिंग को किसी ने आंसर नहीं किया। मैंने फिर से डोरबेल रिंग की लेकिन अभी भी किसी ने आंसर नहीं दिया था। मैं अभी वहाँ से निकलने ही वाला था तभी मैंने अपना सर राइट साइड में घुमाया और मैंने देखा कि वहाँ पे खिड़की पे कोई खड़ा है। मैं पहले तो काफ़ी डर गया, फिर पीछे हुआ, फिर उसके बाद मैं इवेंचुअली उस खिड़की के पास गया उस इंसान को देखने। वो एक बूढ़ी औरत थी, mid-70s में। वो एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ स्टेयर कर रही थी। विंडोज़ के थ्रू मैंने चिल्लाया कि उसका पिज़्ज़ा मेरे पास है, लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, इसलिए मैंने और भी चिल्ला के कहा। तभी उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आई। वो स्माइल कोई जेन्युइन स्माइल नहीं थी, वो काफ़ी क्रीपी और डरावनी स्माइल थी। मुझे आज भी उसकी स्माइल और वो एक्सप्रेशंस याद है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए, तो मैं वहाँ से निकल गया और अपने कार में जाके बैठा। पिज़्ज़ा को मैंने पैसेंजर सीट पे रखा। मुझे लगा कि मुझे ये सब अपने बॉस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैंने मेरे बॉस को टेक्स्ट किया और मैंने कार चालू कर दी। बस एक बार मैंने राइट साइड में अपनी नज़र डाली, मैंने देखा कि वो औरत पैसेंजर सीट के विंडो में मुझे अभी भी देख रही है, वही सेम स्माइल और एक्सप्रेशन के साथ मुझे स्टेयर किए जा रही है। ये देखते ही मैंने वहाँ से अपनी कार बड़ी तेज़ी से भगाई और मैंने